अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 12 का बच्चे टॉपिक है आज हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है हमारे पास? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बच्चे समझने से पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था हमारे पास, कि जब लाइट रे एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम से बच्चे जब इंटर होती है तो वो क्या कर लेती है, अपना पाथ जो है वो क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सपोज बच्चे आपके पास इंसिडेंट रे है, ये ग्लास मीडियम है, ये एयर है, जब ये बाउंड्री से टकरा कर मीडियम में इंटर होगी तो क्या हो रही है बच्चे, अपने पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। इसका ओरिजिनल पाथ जो है वो यहाँ पे लाइक कर रहा है, लेकिन ये क्या हो गया बच्चे, पाथ के अलोंग क्या हो गई है, बेंड हो गई है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से वो अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो देखिए हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपके पास नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे तो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये देखिए हमारे पास रिलेशन लिखा है कि भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो एक टाइम बच्चे ऐसा आएगा कि जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप बढ़ाते रहेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी क्या होता रहेगा बच्चे, बढ़ता रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जो उसकी बाउंड्री है ग्लास और एयर की वो उसके साथ क्या हो जाएगी बच्चे, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो, उस एंगल को बच्चे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं उसे, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और जब लाइट रे क्रिटिकल के ज्यादा एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होगी तो वो पहले वाले मीडियम में क्या रहती है बच्चे, वापस आ जाती है। अब देखिए क्रिटिकल एंगल के ऊपर आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब जब एंगल आप मजीद इंक्रीज कर देंगे तो लाइट रे जो है वो क्या आ जाएगी, पहले वाले मीडियम में वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को बच्चे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी बच्चे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक है हमारे पास लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से क्या करती है बच्चे, रेयर मीडियम की तरफ क्या करती है, मूव करती है। डेंसर मीडियम क्या होता है बच्चे, आपके पास ऐसा मीडियम होता है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, डेंसर मीडियम कहते हैं। और रेयर मीडियम क्या होता है, आपके पास ऐसा मीडियम होता है जिसमें एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चे, स्पेस में होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बच्चे फर्स्ट कंडीशन क्या है, कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से लेस डेंसर या फिर रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है। सेकंड कंडीशन क्या है, कि भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब आपके पास लाइट रे जो है वो पहले वाले मीडियम में टोटली क्या आ जाएगी बच्चे, वापस आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रिफ्रैक्शन जो है वो कितने एंगल पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। कितने एंगल पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। जब आप मजीद इससे इंक्रीज करेंगे तो लाइट रे जो है अपने पहले वाले मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चे?